सिंपली ये गाड़ी को अभी बीट करके आई है, एविएटर है ये गाड़ी। गाइस व्हाट्सअप, दिस इज माय फर्स्ट ब्लॉग, ये मेरा यूट्यूब का पहला ब्लॉग है और ये ब्लॉग के साथ एक रिव्यू भी करने जा रहे हैं जो ओला का रिव्यू है, जिससे कि बहुत हेल्पफुल होगा लेने वालों के लिए। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, हम ओला का रिव्यू लाते हैं। अभी बज रहे हैं 8:37 और दिन है अपना 4 तारीख और नवंबर चल रहा है। इससे पहले मुझे पापा ने एक दो काम बताए हैं, एक ही काम बताए हैं, मुझे गाड़ी धुलना है, ट्रैक्टर धुलना है और पापा बनियान के लिए गए हैं, बनियान मतलब खेत में जो काटते हैं उसके लिए गए हैं। तो लेट्स गो फॉर टास्क, एक काम करने के लिए जल्दी से एक काम कर लेते हैं और फिर हम ब्लॉग बढ़ाते हैं आगे, तो बनी रहिए हमारे साथ। सब आ चुके हैं हम ट्रैक्टर धुलने के लिए, चाबी लेने के लिए आए हुए हैं। 8:50, बस चाबी, ट्रैक्टर की चाबी देखो, ट्रैक्टर की चाबी आ गई है अपने पास और चालू करते हैं ब्लॉग। उधर पे अभी जस्ट पाप अंकित को बुला लिया हूँ मैं, अंकित है बोल लो। तो हम जा रहे हैं ब्लॉग के लिए। हमने शैम्पू ले लिया है, लेट्स गो और ट्रैक्टर को धुलते हैं। खाना अच्छा दे लो। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पे गाड़ी धोने, बंधान पे आ चुके हैं यहाँ पे और फिर अभी बज रहे हैं 9:06 हो रहा है और आ गए हैं और बनी रही हमारे साथ ओला का रिव्यू देंगी। बस तो गाइस पहुंच गए हैं हम अपना बंधान, हमारा विलेज और हमारा एरिया, जो हमें को संपूर्ण जिंदगी यहीं पर रहना है। और ट्रैक्टर नहीं, ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जिंदगी यहीं पर रहना है, और बने रहिए क्योंकि ओला का रिव्यू हमें देना है। जस्ट 4 मिनट्स जो काम है उसको निपटा लेते हैं बस, ठीक है, क्योंकि घर का काम करना चाहिए, थोड़ी बहुत तो करना चाहिए, है ना गाइस। तो बनी रहिए हमारे साथ, लेट्स गो। यो पाड़ी इन द भूत ना ड्रैक्स पा, यो पाड़ी इन द हेलो गाइस, देखो क्या कर रहा है ये, चलाइए देखिए ना, चलाइए देखिए। अभी हमने ट्रैक्टर साफ कर लिया है, ट्रैक्टर साफ करने के बाद हमारी टीम को देख लीजिए, ये है, हेलो बोल दो सब लोग। और अभी के बज रहे हैं 10:06 हो गए हैं, तो बस हो गया, अब ये काम खत्म हो गया, बस एक ही काम है रिव्यू देने का। तो आप बनी रहिए वीडियो में, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस हमारी गाड़ी हो चुकी है कंप्लीट, ओके, मैंने ये काम फिनिश कर दिया हूँ और अभी बज रहे हैं 10:37 हो रहे हैं। तो अभी भैया आते ही होंगे जो ओला का रिव्यू देना है हमें, बनी रहिए वीडियो के साथ, फिर से थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, तो बहुत ही अच्छा हम आपको रिव्यू देंगे, ठीक है, लेट्स गो। हमारे पास बहुत वेट करने के बाद ये गाड़ी आई हुई है और ये गाड़ी में इतना फीचर्स है भाई, आपको समझने में टाइम लगेगा बट समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी हाल फिलहाल लॉन्च हुई हुई गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, अब देखना पड़ेगा कि कितना चलती है। हमारे पास तो अभी आई हुई है, उसके बाद हम रिव्यू देते हैं 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, उसके बाद और भी पता चलेगा कि गाड़ी
कितना क्या चलती है, क्या खराब होता है, क्या नहीं खराब होता। हालांकि कंपनी तो उसका आई थिंक 5 साल की वारंटी देती है, जो भी जो चीज़ खराब होगा वो लगा के देगी, वो आके ऐसा कंपनी दावा करती है अपने तरफ से। यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया हुआ है ओला का, जो LED डिस्प्ले है, LED डिस्प्ले है और लाइटिंग भी बहुत अच्छा हुआ दिया गया है। ये देख लीजिए, ये डिस्प्ले काम भी करती है, टच भी है ये डिस्प्ले में, ये देखिए टच काम करता है। इसका मैं मेथड अगले बताऊंगा। यहाँ पर बटन भी दिया गया है, ये रहा। और इसमें अपने पास वाला दिया गया है, ये देखो स्पीकर्स दिए हुए हैं इसमें, डिक्की देख लो आप कितना बड़ा है। ये इसका चार्जर है, डिक्की दिखाऊँ कितना अच्छे से दिखाओ दूर से बिल्कुल। ये इसका चार्जर, इसका मैं आपको चार्ज होता है। यहाँ पर है इसका केबल, जो मैंने आपको केबल दिखाया था शुरू में। तीन मोड दिए जाते हैं, तीन मोड देखो, पहला है इको मोड, ठीक है, फिर है नॉर्मल, फिर स्पोर्ट। इको मोड में 97 किलोमीटर चलेगा 76% चार्ज में, इसका चार्ज 76 है 100 में से, ठीक है। और नॉर्मल देखो, नॉर्मल दिख रहा होगा गाइस, दिख रहा है ना, नॉर्मल 78 किलोमीटर चल सकती है गाड़ी। और स्पोर्ट्स में 69 किलोमीटर चल सकती है, ठीक है। ऐसा है इसमें, ये गाड़ी देती है तीन मोड देती है, ठीक है। और गाड़ी को अभी बीट करके आई है, एविएटर है ये गाड़ी, बताओ अंकित आई है ना। हाँ आई है ये गाड़ी को बीट करते हुए, हमारा बिल्कुल हाईवे जैसा रोड है, एक तिहाई तो 3 किलोमीटर तक ऐसा लगता है हाईवे वाला रोड है, तो मैं बीट करके आई है। वो गाड़ी चलेगी तो चलेगी, बस ये टॉप क्लास खिंचती बहुत अच्छा यार, ये ऐसा गाड़ी ले लो। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, ये मेरी पहली गाड़ी है जो मैं इसको चलाया, मैं अभी तक की इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाया नहीं था, सच बता रहा हूँ। मेरे घर में आया गाड़ी, मैं चलाया और मैं सोच रहा हूँ कि यदि कोई इंसान यदि ले रहा है ये गाड़ी को, यार कोई बता दे हमें, तो उसके लिए हो जाएगा बिल्कुल, तो जानकारी हो जाएगी कि वो भाई साहब को या भाई बहन को, या फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से मैं सजेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये कह रहा था पास आ जाऊँगा, इसमें डिस्प्ले में दिखा दे रहे हैं आपको, डिस्प्ले में दिखा दे रहे हैं, इसमें मोड्स दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखो ये पार्किंग मोड है, इसमें मतलब पार्किंग करना है, ठीक है। और ये देखो, और स्वाइप अप, ये डिस्प्ले यार, ये मेरे को क्या फील देता है यार, बिल्कुल ना डिस्प्ले बिल्कुल करने का। इधर दिखा दो अंकित, यहाँ पर ब्लूटूथ से अपन वायरिंग कनेक्ट करके गाना भी सुन सकते हैं, जो स्पीकर मैं आपको बताया था, ठीक है। ये यहाँ पर जा चुका हूँ गाइस, मैंने आपको ये सब चीज़ तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और मैंने स्पीकर नहीं बताया था आपको, स्पीकर का साउंड नहीं बताया था, ठीक है। तो मैं आपको साउंड लगा के दिखा दे रहा हूँ, साउंड हो जाओ भाई, साउंड बढ़ाओ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर में नहीं बजाते, नहीं तो ट्रैक्टर लगा नहीं। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और इसका मैं रिव्यू 3 महीना बाद में लाऊंगा, और प्लीज़ ऐसे ही लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना। और प्लीज़ यार छोटा भाई हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल हाथ जोड़ रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़ यार। तो लेट्स गो न्यू वीडियो के साथ, अंकुश झा आपके साथ प्रस्तुत होते हुए खत्म।